बार विकास के साथ जाएंगे, 5 साल में जो किए गए काम है उसके साथ जाएंगे, इस बार झाड़ू के साथ जाएंगे। 8 तारीख को झाड़ू में बटन दबेगा और 11 तारीख ऐतिहासिक परिणाम आने वाला है। दुर्भाग्य है कि 15 साल विधायक रहने के बाद अपने काम नहीं गिना रहे, आज उनको धर्म का वास्ता देना पड़ रहा है, ये अपने आप उनकी हार दिखती है। वो तो बलि का बकरा बना हुआ है, अब किसी को खड़ा करना तो खड़ा हो गए। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, यही होना चाहिए। नमस्कार, मैं धीरज सिंह। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रचार में केवल 4 दिन बचे हैं। इसी बीच सभी पार्टियां अपने अपने तरीकों से प्रचार कर रही है। इस समय बुढ़ारी के जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वो कड़ाव नगर विधानसभा क्षेत्र में दुर्गेश पाठक के समर्थन में रैली प्रचार करने के लिए आए हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह देख रहे हैं सर, आप पद यात्रा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लोगों के मिलने जा रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? देखिए, माहौल एक तरफ से लोग कह रहे हैं इस बार विकास के साथ जाएंगे, 5 साल में जो किए गए काम है उसके साथ जाएंगे, इस बार झाड़ू के साथ जाएंगे। अच्छा, मुझे लगता है 8 तारीख को झाड़ू में बटन दबेगा और 11 तारीख ऐतिहासिक परिणाम आने वाला है। सर, इसी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे कपिल मिश्रा, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का नाम मुस्लिम लीग होना चाहिए, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? मुझे लगता है, देखिए, ये लोग कौन है जो ऐसी बातें करते हैं, इसका मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। दुर्भाग्य है कि 15 साल विधायक रहने के बाद अपने काम नहीं गिना रहे, आज उनको धर्म का वास्ता देना पड़ रहा है, ये अपने आप उनकी हार दिखती है। मुझे लगता है कि इस बार लोग इनके झांसे में नहीं आने वाले, लोग विकास खड़े होंगे। बुढ़ारी विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी हैं, आपके विरोध में बीजेपी का कोई ना हो के पूर्वांचल से जो बीजेपी से बिहार से आते जदयू और आरजेडी आपके विरोध में खड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको टक्कर देने के लिए वो लोग काफ़ी हो सकते हैं, या फिर किस तरह की आपकी तैयारी वहाँ पर? नहीं, मैं धन्यवाद करता हूँ सभी बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता को, उन्होंने दबाव बनाया कि चुनाव नहीं लड़ना है इस बार विकास के साथ जाना है। वो तो बलि का बकरा बना हुआ है, अब किसी को खड़ा करना तो खड़ा हो गए। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, यही होना चाहिए। अगर विकास का काम भी साथ खड़े हो जाइए। दिल्ली में कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी की विजय हो रही है? 70 में 70।